एपिसोड की शुरुआत में मिया किसी चीज को घूर कर पढ़ रही थी क्योंकि वो आज भी अपने ग्लासेस भूल गई थी। कोमुरा वहाँ पर आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछता है क्या हुआ मिया। मिया भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, फिर उसे कहती है कि ये देखो कोमुरा, मैंने सारे इवेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। कोमुरा बोलता है कि ये तो वो पॉइंट कार्ड है ना, जिसके बदले में तुम्हें ओरिजिनल स्वीट्स मिलेंगे। मिया कहती है कि जब मैंने इसे ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये कल एक्सपायर हो जाएगा, तो आज मुझे ये घर जाते वक्त पोस्ट करना ही होगा। कोमुरा सोचता है कि ये आज भी अपने ग्लासेस भूल गई है और इसे पोस्ट ऑफिस तो जाना ही होगा। मिया कहती है कि मैं आज तक कभी भी पोस्ट ऑफिस नहीं गई हूँ। कोमुरा सोचता है कि अब मुझे इसकी फिक्र हो रही है, ये बिना ग्लासेस के कहीं अनजान जगह पर जाकर खो गई तो। एंड वो बोल देता है कि मिया, क्या मैं भी तुम्हारे साथ पोस्ट ऑफिस चल सकता हूँ। मिया तो बहुत खुश हो जाती है। तभी कोमुरा को उसका एक दोस्त बुलाता है। वो उसे बोलता है कि कोमुरा, चलो आज स्कूल के बाद गेमिंग कैफे में चलते हैं। कोमुरा तो बहुत खुश हो जाता है। उसका दोस्त बोलता है, हम आज दिन भर वहाँ पर खेलेंगे। कोमुरा बोलता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं घर जाकर कपड़े बदल कर वहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो मिया के साथ जाने वाला था, तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि सॉरी, आज मेरा कोई और प्लान है। मिया उन लोगों की बात सुन लेती है और वो कोमुरा को घूरने लग जाती है। फिर क्लास के दौरान मिया सोच में पड़ी हुई थी। वो सोच रही थी कि कैसे कोमुरा ने अपने दोस्तों को कहा कि सॉरी, आज मेरे थोड़े अलग प्लान हैं। वो कोमुरा को कहती है कि मैं अकेली ही पोस्ट ऑफिस चली जाऊंगी, तुम डायरेक्टली घर जा सकते हो। तो कोमुरा बोलता है, पर मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तुम अपने ग्लासेस भी भूल गई हो। तो मिया झूठ बोल देती है कि मैंने आज कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए है, और कोमुरा समझ जाता है कि मिया झूठ बोल रही है। वो सोचता है इसे अचानक क्या हो गया। फिर क्लास में सर मिया को बुक रीड करने के लिए बोलते हैं। कोमुरा मिया को कहता है कि मिया तुम ठीक तो रहोगी ना। तो मिया कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने लेंस पहने हुए है ना। मिया ठीक से पढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर एक वर्ड पर वो अटक जाती है। कोमुरा सोचता है कि ये इस वर्ड को पढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वर्ड है। मिया सोचने लग जाती है कि ऐसे तो कोमुरा को सच पता चल जाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ मजे करने भी नहीं जाएगा। तो फिर वो अपना दिमाग लगाती है और उस वर्ड पर खांस देती है। कोमुरा समझ जाता है कि इसकी खांसी भी नकली थी, लेकिन सर तो इसकी खांसी को सच मान लेते हैं और वो मिया को बैठने के लिए बोल देते हैं। कोमुरा देखता है कि मिया थक चुकी है। फिर अगले सीन में एक नोटिस लगा हुआ था कि आपको कुछ क्लास के लिए अपने क्लासरूम चेंज करने होंगे। कोमुरा मिया को वो पढ़ते हुए देखता है। एंड मिया सोच रही थी कि कोमुरा बोलेगा कि तुम तो ठीक से नोटिस भी नहीं पढ़ पा रही, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा। तभी उसकी कुछ फ्रेंड्स उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन मिया बोलती है कि नहीं, मैं खुद से क्लास स्विच कर दूंगी, और वो वहां से भाग जाती है। कोमुरा भी सोचता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। तभी उसके दोस्त फिर से उसके पास आकर बोलते हैं कि तुम्हारा काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो तो चलो ना हमारे साथ, मजा आएगा। लेकिन कोमुरा तो मिया के बारे में ही सोच रहा था कि वो नए क्लास में ठीक से पहुंच तो पाएगी ना। इधर मिया तो नया क्लास ढूंढने में लगी हुई थी, उसे क्लास मिल ही नहीं रहा था। वो बोलती है कि मेरा अकेला रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोमुरा अपने दोस्तों के साथ ना जाए। हाँ, ये मेरे लिए मुश्किल तो है, लेकिन मुझे अकेलापन भी महसूस हो रहा है। कोमुरा फाइनली मिया को ढूंढ लेता है और वो मिया का मान रखने के लिए बोलता है कि क्या ये रूम नंबर 1 नहीं है, यहाँ तो रूम नंबर 2 है, मैंने गलती कर दी, तो चलो मिया, हम दोनों साथ में ही चलते हैं। मिया कहती है कि अरे, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो सब देख पा रही हूँ। कोमुरा भी बोलता है कि अरे हाँ, मैं समझ गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सब देख पा रही हो। वो तो रूम नंबर 1 और 2 में कंफ्यूजन हो ही जाती है, देखो ना मुझसे भी हो गई। फिर फाइनली मिया कोमुरा को कह ही देती है कि मुझे माफ कर दो, सच में मैं देख नहीं पा रही, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम मेरे कारण अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए वरीड हो जाओ। एंड कोमुरा भी समझ जाता है कि अच्छा, तो इस कारण से मिया ऐसा कर रही थी। मिया कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है। कोमुरा तो शर्माने लगता है। मिया कहती है कि तुम फिकर मत करो, मैं
तुम्हें पोस्ट ऑफिस नहीं ले जाऊंगी, मैं अकेले ही जाऊंगी, कोमोरा बोलता है, लेकिन मुझे तुम्हारी अभी भी फिक्र हो रही है। तभी कोमोरा को नजदीक वाली पोस्ट ऑफिस याद आ जाती है और वो मिये को वहीं पर ले जाता है और उसके कार्ड को उधर ही पोस्ट कर देता है। मिये कोमोरा को पूछती है कि क्या तुम्हें आर्केड गेम्स पसंद है, तो कोमोरा बोलता है कि मुझे उसमें ये पसंद है कि तुम उसमें पीसफुली खेल सकते हो और तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर मिये उसे बोलती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, हम कल मिलेंगे। फिर कोमोरा सोचता है कि वैसे तो मिये का घर स्कूल से काफ़ी नज़दीक है, तो वो पहले घर जाकर अपने ग्लासेस पहनकर बाद में पोस्ट ऑफिस जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं होने दिया। शायद मुझे भी मिये की आदत सी हो गई है, मैं हर समय उसके साथ रहना चाहता हूँ। देन फाइनली वो अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कोमोरा का ये ईयर कंप्लीट हो गया है और अब वो थर्ड ईयर में प्रमोट हो चुका है। वो सोच रहा था कि आजकल समय काफ़ी तेज हो रहा है, मैंने सुना है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो वैसे वैसे समय काफ़ी तेज होने लगता है, क्या मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ? आजकल तो मेरी कमर में भी बहुत दर्द होने लगा है। लेकिन ये सब भाड़ में गया, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मैं और मिये एक ही क्लास में हैं। एंड जब वो मिये को देखता है तो मिये नींद में थी। वो सोचता है कि मिये कहीं गिर ना जाए, उसे चोट लग जाएगी। उसके बाद जो सर थे वो परफेक्ट अटेंडेंस का अवार्ड दे रहे थे और ये मिये एंड कोमोरा दोनों को मिलता है। मिये सोचती है कि क्या मैं हर रोज स्कूल आई थी, और कोमोरा मन में बोलता है कि मैं तो हर रोज स्कूल सिर्फ मिये के लिए आता था। फिर मिये जब आगे जा रही थी तब एक लड़का बोलता है कि ये काफी गुस्से में लग रही थी ना, उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो घूर कर देख रही थी। कोमोरा सोचता है कि मुझे तो मिये को ऐसे देखने की आदत है क्योंकि वो हमेशा अपने ग्लासेस भूल जाती है ना, लेकिन वो ऐसे स्टेज पर चली जाएगी तो सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो स्टेज पर जाए उससे पहले मुझे इसके लिए कुछ तो करना होगा। मिये कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कितने सारे लोग हमें देख रहे होंगे। कोमोरा बोलता है कि ये तो कितनी क्यूट है। फिर वो सोचता है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। वैसे मिये बिना ग्लासेस के भी कभी कभी नॉर्मल दिखती है, तो जब वो टेंशन में नहीं होगी तब वो नॉर्मल दिख सकती है। तभी उसे याद आता है कि हाथ में एक नस ऐसी होती है जिसे दबाकर टेंशन दूर हो जाता है, तो वो इसके बारे में मिये को भी बताता है, लेकिन मिये तो ठीक से देख ही नहीं पा रही थी, तो वो कोमोरा को कहती है तुम ही मेरा हाथ दबा दो ना। कोमोरा डरने लगता है और इधर स्टेज पर बच्चों को बुलाने लग जाते हैं। कोमोरा सोचता है कि मिये का हाथ दबाते वक्त मुझे कितना प्रेशर देना चाहिए। फिर जब वो हाथ पकड़ता है तो मन में बोलता है कि इसके हाथ तो कितने सॉफ्ट है। मिये अपना हाथ ऊपर करती है तो कोमोरा पूछता है कि तुम्हें दर्द हुआ क्या? मिये कहती है कि दर्द नहीं, गुदगुदी हो रही है, मुझे डर नहीं हो रहा, थोड़ा और जोर से दबाओ ना। कोमोरा फिर से डरने लगता है। मिये कहती है कि तुम नर्वस क्यों लग रहे हो? मिये कहती है कि मेरे पास भी नर्वसनेस दूर करने का एक तरीका है। तुम किसी फनी चीज को इमेजिन करो, अम्ब्रेला ऑक्टोपस कितने क्यूट होते हैं। कोमोरा सोचता है कि ये अब मुझे शांत कर रही है। मिये कहती है कि तुम फनी चीज को इमेजिन करते हो तो वक्त थोड़ा जल्दी बीत जाता है। फिर कोमोरा मिये का हाथ छोड़ देता है और सोचता है कि अब ये थोड़ी काम लग रही है, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था। भले ही सब उसे कितनी भी डरावनी समझे, सबको एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। इसके बाद कोमोरा का नंबर आता है, वो अवार्ड लेने आगे जाता है और वो खुद नर्वस हो जाता है। स्टेज पर उसकी काफ़ी हालत बुरी होने लगी थी। वो सोचता है कि मुझे मिये की ट्रिक यूज़ करनी चाहिए। फिर वो उसकी मिये के साथ सारी मेमोरीज को याद करने लगता है, तब जाकर वो थोड़ा शांत होता है। फिर मिये का नंबर आता है। कोमोरा मिये को देखकर बोलता है कि ये साल बहुत जल्दी पास हो गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हुआ? उसको याद आता है कि मिये ने कहा था कि तुम अच्छी चीज़ों को याद करोगे तो समय जल्दी पास हो जाता है। वो सोचता है कि एक साल हो गया इस बात को जब मैंने नोटिस किया था कि मिये की आँखें कितनी ब्यूटीफुल है, और पूरे साल मैंने सिर्फ मिये के बारे में ही सोचा है। अगले सीन में इन लोगों को एक बॉक्स के थ्रू एक नया सिटिंग अरेंजमेंट चूज करना था। कोमोरा सोचता है कि सेकेंड ईयर में तो हमारे टीचर कभी भी हमारी सीट्स चेंज नहीं करवाते थे,
इस साल भी वही होम रूम टीचर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस साल भी सीट चेंज करवाएंगे। बस मुझे इस बात की फिक्र है कि मिया की साइड पर कौन बैठेगा। बस यही चाहता हूँ कि उसकी साइड में जो भी आए वो मिया की हमेशा मदद करे जब वो अपने ग्लासेस भूल जाए। शायद उसके लिए किसी लड़की के साइड में बैठना आसान रहेगा, लेकिन उसको कॉर्नर में होना चाहिए ताकि वो भूल ना जाए। कोमुरा को तो पिछले ईयर जैसा ही सेम सीट मिलता है, लास्ट कॉर्नर वाला, और वो देखता है कि मिया की साइड में तो अजुमा बैठने आ रहा है। पहले तो उसे जलन होती है, बाद में वो सोचता है कि कम से कम अजुमा उसकी हेल्प तो कर ही लेगा, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर कोमुरा की साइड में एक लड़की आ जाती है और वो उसे ग्रीट करती है। कोमुरा भी उसे ग्रीट करता है। मिया कोमुरा को ढूंढने लगती है। वो अजुमा को पूछती है कोमुरा कहाँ पर बैठा है। अजुमा बता देता है कि वो पिछले साल जैसी ही सेम सीट पर बैठा है। कोमुरा अजुमा को खुद की ओर देखते हुए नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। इधर मिया और अजुमा में बातचीत स्टार्ट हो गई थी और कोमुरा मन में बोलता है कि अजुमा तुम ऐसे मिया पर अच्छा इंप्रेशन मत डालो। फिर मिया अपनी दोस्त आसुका को वेव करके रिस्पॉन्स देती है एंड कोमुरा सोचता है कि क्या मुझे भी ऐसे रिस्पॉन्स करना था। ठीक है, कम से कम वो मेरे बारे में सोच तो रही है। फिर एक लड़की मिया के पास आकर बोलती है कि लगता है तुम मेरी जगह पर बैठ गई हो। एंड मिया अपनी चिट देखकर बोलती है कि ओ अच्छा ये 27 है, मुझे लगा ये 29 है। अजुमा उसके पास आकर बोलता है कि अरे ये 27 नहीं 25 है। फिर वो मिया का हाथ पकड़कर उसे उसकी सीट दिखाने लगता है और कोमुरा मन में बोलता है अरे तुम दोनों इतने पास मत आओ। कोमुरा की हालत फिर से खराब होने लगी थी, तभी उसकी साइड में बैठी हुई लड़की बोलती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें पानी चाहिए। कोमुरा सोचता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है, मैं तो चाहूँगा कि ये लड़की ही मिया की साइड में बैठे। फिर फाइनली मिया अपनी सीट पर बैठ जाती है और कोमुरा देखता है कि वो सोमैया की साइड में बैठी थी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सोमैया तो बहुत अच्छी लड़की है, वो मिया की मदद भी करेगी। फिर मिया और सोमैया एक दूसरे को ताली भी देते हैं। कोमुरा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि ये दोनों एक साथ घुलने मिलने लगी। मिया तो कोमुरा को घूरने लग जाती है एंड कोमुरा सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो अपनी साइड वाली लड़की से पूछता है कि ये पहली बार है ना कि हम दोनों एक क्लास में हैं। मैं कोमुरा हूँ, और वो लड़की बोलती है कि मैं हिबूची हूँ। मिया अभी भी कोमुरा को घूर रही थी एंड सोमैया पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम कुछ ढूंढ रही हो। मिया कहती है कि नहीं, मैं जिसे ढूंढ रही थी वो मुझे दिख गया। कोमुरा की हालत फिर से खराब होने लगती है। हिबूची फिर से पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है क्या। कोमुरा बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि मिया मेरी साइड पर बैठे, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे देख रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिया आगे मुड़ जाती है। कोमुरा सोचता है कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब मैं बस यही सोचता रहूँगा कि ये कब मुझे पलट कर देखेगी। अगर वो क्लास में अटेंशन नहीं देगी तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हिबूची खड़ी होकर मिया के पास चली जाती है और बोलती है कि हम पहली बार एक क्लास में है ना, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, क्या तुम मेरे साथ अपनी सीट एक्सचेंज करोगी। मिया कहती है ज़रूर। कोमुरा तो खुशी के मारे पागल होने लगता है। फिर वो सोचता है कि मिया पिछले साल भी लास्ट में ही बैठी हुई थी, उसे तब भी फ्रंट रो में बैठना चाहिए था। फिर मिया उसकी साइड में आ जाती है और कोमुरा सोचता है कि अब वो मेरी बगल में है। वो मिया को कहता है कि तुम्हें तो फ्रंट रो में बैठना था ना। मिया कहती है कि जब मैं फ्रंट रो में बैठूंगी तो जब मैं सो जाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैं पीछे ही आ गई। कोमुरा बोलता है अच्छा ऐसा है। मिया कहती है कि अगर मैं क्लास के दौरान ऐसे पीछे देखती रहती तो दिक्कत हो जाती। कोमुरा सोचता है कि मैं पीछे बैठा हूँ इसलिए ये पीछे आ गई, लेकिन मैं इससे ये नहीं पूछ सकता, अभी तो मुझे उसके बारे में और बहुत कुछ जानना है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।